सेक्स, मनी और अदर मैटर्स, किसी भी संगठन में ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं उस संगठन के आगे की आयु तय करने के लिए, संगठन का उद्देश्य पूरा करने के लिए या संगठन को खत्म करने के लिए, उसका उद्देश्य खत्म करने के लिए। भारत में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो संगठन और संघ, महासंघ जो बनाया वो भगवान बुद्ध ने बनाया। उसमें दिन प्रतिदिन कोई ना कोई समस्या आती थी, या तो किसी पोजीशन को, अवस्था को लेके छोटे मोटे झगड़े या सेक्स संबंधित आती थी, काम वासना और मैथुन वासना के संबंधित आती थी। भगवान बुद्ध के जो डिसिपल्स थे वो डिसिप्लिन में रहते थे और जो शिष्य थे वो सीखते रहते थे, शिष्य थे, मगर ये समस्याएं जो आती थी ये किसी भी संघ में एक आम बात होती है। भगवान बुद्ध ने इनके धीरे धीरे सारे नियम बनाए और नियम बना के इनको सुचारू रूप से चलाया भी। खाली नियम ही नहीं बनाए, वो नियम पे क्रियान्वयन करके उसको इम्प्लीमेंट करके कमीशन करके देखभाल भी करते थे। इसलिए उनका संगठन दुनिया के सबसे अच्छा प्रचारक संगठन रहा। यही कारण है कि उनके जो डिसिप्लिन्स बात तक भी बहुत अच्छे रहे और पूरी दुनिया में उनकी बात को, जो धम्म की बात है उसको पहुंचाने में कामयाब रहे। आपका जो संगठन है जिसमें आप काम करते हैं और जो आपका उद्देश्य है आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो नियम जो भगवान बुद्ध ने दिए थे उनको विनय के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें आप अपने नेता के पाप कर्म और पुण्य कर्म, अपने कार्यकर्ता के पाप कर्म और पुण्य कर्म और जो समाज में गतिविधि संगठन कर रहा है उसका पाप कर्म और पुण्य कर्म चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये विनय पे आधारित हम नियम एक एक करके आपको बता रहे हैं। जब भी आपको लगता है कि संगठन कैसा चलना चाहिए, कार्यकर्ता कैसा चलना चाहिए और हमारी सदगति या दुर्गति संगठन की क्यों हो रही है, क्यों हम बर्बाद हो रहे हैं या क्यों हमारा संगठन ठीक चल रहा है, उसका चेक एंड बैलेंस इन विनय के नियमों के आधार पर कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल नियम है, पूरी दुनिया में मनुष्य के सभी संगठनों पर चलते हैं, चाहे वो किसी ऑफिस का संगठन हो, चाहे किसी कार्यालय का, चाहे किसी खेती का, किसान का, मजदूर का हो, चाहे राजनीतिक संगठन हो, चाहे धार्मिक धार्मिक संगठन हो, चाहे कहीं कोई इंटेलेक्चुअल्स का संगठन हो, बुद्धिजीवियों का, चाहे कोई दल बल सेना का संगठन हो, चाहे कोई संगठन इस तरह का हो जो सामाजिक संगठनों में काम करते हैं। दुनिया में किसी भी प्रकार का अगर व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, संगठित होते हैं, तो ये नियम आज भी इतने ही अपरिहार्य हैं जितने पहले थे। इनसे छोड़ा नहीं जा सकता, इनसे बचा नहीं जा सकता। जिन संगठनों ने, जिन लोगों ने इन नियमों को अपनाया उन्होंने बड़े बड़े संघ तैयार कर दिए। आप इसको देखते रहें, ये सीरीज वाइज सीरीज चल रहे हैं। धन्यवाद।